हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री बाजार में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे आयुष्मान भारत राशन कार्ड का झंझट खत्म, पीएम मोदी का हस्ताक्षर युक्त पत्र करेगा काम। तो दोस्तों अब आयुष्मान भारत का झंझट खत्म। आयुष्मान भारत योजना में अड़े रहे राशन कार्ड के झंझट को फिलहाल चंडीगढ़ में खत्म कर दिया गया है। तो दोस्तों अब राशन कार्ड को आयुष्मान के लिए खत्म कर दिया गया है, अब हस्ताक्षर पत्र से हो जाएगा काम। तो दोस्तों कैसे होगा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और कौन सा कार्ड बनेगा, कैसे कार्ड बनेगा, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें एंड तक। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है का सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है दोस्तों, इसे टच कर दें। जैसे ही आप इसे टच करेंगे इसके पास एक बेल आइकन घंटे का निशान आया है, उसे भी टच कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सके हमारी नई नई वीडियो। सबसे पहले दोस्तों ये लाइक वाले बटन को दबा के नीला कर दें ताकि हमें पता चले आपने हमारी वीडियो देखी और लाइक कर दिए। शेयर वाले ऑप्शन से शेयर करते हैं अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और दोस्तों नीचे की ओर आके आपको कमेंट कर देना, और दोस्तों नीचे आकर कमेंट में लिख देना है आपका आयुष्मान भारत कार्ड है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आयुष्मान भारत राशन कार्ड का झंझट खत्म, पीएम मोदी का हस्ताक्षर पत्र करेगा काम। तो दोस्तों राशन कार्ड का झंझट खत्म, आयुष्मान भारत योजना में अड़े आ रहे राशन कार्ड के झंझट को फिलहाल चंडीगढ़ में खत्म कर दिया गया है। अब सभी लाभार्थी परिवारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर युक्त पत्र भेजा जाएगा, जिसके आधार पर लाभार्थियों का कार्ड बनेगा। कार्ड बनने के बाद वे चंडीगढ़ के किसी भी सरकारी अस्पताल में सालाना 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। तो दोस्तों चंडीगढ़ में ये योजना चालू हो गई है और इसका लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हस्ताक्षर पत्र भेजेंगे जिसके आधार पर एक कार्ड बन जाएगा, और वो कार्ड से किसी भी सरकारी अस्पताल में आप 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। तो दोस्तों दो प्राइवेट हॉस्पिटल एडेन और शमशेर भी इस स्कीम में शामिल हो चुके हैं, यहां पर लाभार्थियों को मुफ्त इलाज मिलेगा। दरअसल आयुष्मान योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति का नाम लाभार्थी की सूची में होना जरूरी है। ये सूची साल 2011 में हुई आर्थिक समावेश सर्वे के आधार पर तैयार की गई है। इसमें निम्न और निम्न माध्यम वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। नाम आने के बाद व्यक्ति को अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर आयुष्मान भारत के रजिस्ट्रेड काउंटर पर जाना होगा। वहां पर बैठे कर्मचारी वेरीफाई करेंगे और पत्र आधे घंटे के भीतर कार्ड बन जाएगा, जिसके बाद वह इस योजना का हकदार हो जाएगा। नए निर्देश के बाद चंडीगढ़ में आयुष्मान भारत योजना की रफ्तार बढ़ गई है। अब इस शहर के हॉस्पिटल में 80 से ज़्यादा लोगों का इस योजना के तहत इलाज कराया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पास भारत आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है और आपका इलाज नहीं हो रहा है तो आप अब इसकी राशन कार्ड की झंझट खत्म हो गई है। आप एक हस्ताक्षर पत्र मिलेगा, यह हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा, जिसके द्वारा आपको हॉस्पिटल में एक कार्ड बन जाएगा और आपका इलाज 5 लाख तक का फ्री हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।